वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय न्यू अनदर वीडियो। आज हम सब जाने वाले बॉम्ब जगह पे, जो रियल में बॉम्ब में इतना टाइम वेस्ट करे, चलते हैं देखते क्या होता है क्या नहीं। आज का व्लॉग बहुत एक्साइटेड होने वाला है, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है आज के व्लॉग में, तो पूरा देख। ऑलराइट, ये है ना पानी का चैम्बर है, मतलब इसके अंदर अभी तक देख नहीं सकते, दिख रहा नहीं है, आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर अभी इतना पानी है कि जिससे 10,000 लोग रोज डेली पानी पी सके, मतलब 10,000 लोग रोज डेली पानी पी सके। ऐसे यहाँ पर 3 है और ऐसे बोलते हैं, है ना, मैं आगे दिखाता हूँ। ये है पानी की चैम्बर, इनमें से देखते थे, ऐसे 3 है यहाँ पे, 1, 2 और ये 3। और इस पानी के नीचे एक बेसमेंट बना हुआ है, उस बेसमेंट में है ना ये लोग अपना खजान रखते थे। और ऐसे बोलते कि कई लोग बोलते कि अब वो खजाना नहीं है, कई लोग बोलते कि अभी भी वो खजाना है, लेकिन अभी पता नहीं है नहीं है। लेकिन इसके अंदर तीनों में 10,000 लोग रोज पानी पी ले, इतना पानी है, तो मतलब बहुत ज्यादा। और ये तीनों चीज इसलिए बनाई थी क्योंकि है ना मराठाओं की शक्ति है ना बढ़ती जा रही थी, है ना, तो मुगल कमजोर पड़ गए थे, तो मुगल कमजोर पड़ने के कारण राजा जयसिंह जी उन्होंने सोचा कि ये जयगढ़ किला बना दिया जाए। पहले ये सीन था कि जयगढ़ आवागमन के लिए बनाया था, फिर तो उसके बाद में क्या हुआ कि इसको सैनिकों का अड्डा बना दिया, मतलब यहाँ पे सैनिक रहते थे। तो अभी मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा, वो है ऐसी छोटी छोटी तोपे, हथियार, ये सब बने है, ये सब उन सैनिकों के कमरे थे। अब तो ये सब शायद यहाँ पे काम करने वाले लोगों के बन गए। देखो ये रूम दिख रहे, ये सब उन सैनिकों के रूम थे, पूरे इसमें लोगों ने लिख रखा है पता नहीं क्या क्या, लव लेटर बना रखा है पूरे फोर्ट को। ऑलराइट, अभी है ना हम एक बॉम्ब जगह पे जाने वाले हैं जो रियल में बॉम्ब है, तो बिना टाइम वेस्ट कर चलते हैं। वो जगह उस जगह के बारे में ये है कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी तोप वहां रखी हुई है, वो तोप सिर्फ लाइफ में सिर्फ एक बार चली थी टेस्टिंग के लिए। उसके बाद में क्या सीन हुआ, एक बार चली फिर जयपुर से जापसू, हाँ जयपुर से जापसू गई उसका गोला, और वहां पे लिटरली में तालाब बन गया, मतलब पहले गया तो गड्ढा हुआ, गड्ढा होने के बाद में फिर बारिश का पानी वानी आया तो फिर वहां पे तालाब बन गया। तो मतलब उसको चलाने के लिए 100 kg गन पाउडर चाहिए होता है, मतलब 100 किलो गन पाउडर, मतलब बॉम्ब चीज है बहुत ज्यादा, ये मतलब बहुत सही चीज है। और वो इसलिए बनाई थी क्योंकि है ना मराठा की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी, तो फिर मुगल कमजोर पड़ रहे थे, तो जयसिंह जी ने सोचा कि ये तो बना के, फिर कई लोग तो ऐसे बोलते हैं कि उसको है ना वही बना के तैयार किया था, और कई लोग ऐसे बोलते हैं कि उसको पहले नीचे बनाया था फिर 100 हाथियों से लिख लेते, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ऊपर बनाया होगा क्योंकि ये इतनी बड़ी तोप को वहां लेके जाना पॉसिबल नहीं है शायद। तो बिना टाइम वेस्ट चलते हैं उसके बिना स्लैप ट्रांजेक्शन। मेरे को लगता है कि मेरे को मेरा ट्राइपॉड अंदर रखना पड़ेगा क्योंकि
यार शायद अलाव नहीं है वीडियो बनाना, फोन से बनाना क्या पता शायद कोई प्रॉब्लम ना हो, ट्राइपॉड के साथ कुछ सीन ना हो बस। अगर कुछ नहीं कोई नहीं, ये है ना पहले यहाँ पे पानी पानी भरा रहता था ऊपर ऊपर तक, तो अब वो पानी गर्मी के कारण सूख चुका तो है ना, इसके अंदर कैक्टस कैक्टस के पेड़ उग चुके हैं। अभी यहाँ से वो जगह दिख रही है यहाँ पे वो, उसके अंदर जेबान तोप रखी है, तो मतलब वो तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी, मतलब देखो ग्रीन ग्रीन पानी है यहाँ पे हल्का हल्का, वहां पे मैं जूम करके दिखाता हूँ है ना, तो यहाँ पर पानी और हल्का अभी भी लेकिन प्रॉपर नहीं है, पहले यहाँ पर पूरा पूरा तक ऊपर ऊपर तक था लेकिन फिनिश हो गया। अब जल्दी चलते देखते हैं। ये है ना ये वो तोप जेबान, तो इसको बनाने के लिए लोहा सोना चांदी और भी बहुत सारी चीजों का यूज लिया था, तो इसका टायर दिख रहा है कितना बड़ा है, मैं इतना धीरे धीरे इसलिए बोल रहा हूँ। यहाँ पे है ना पुलिस वाले है, पुलिस वाले इनके साथ सीन हो सकता है, इसलिए आपको अच्छे से दिखाता हूँ पूरी तोप पीछे से आगे से। वो है ना सॉरी वो हाँ वो है ना जलमहल है, तो मैं आगे से दिखता हूँ, देखो वो है ना वो वहां यहाँ से दिख रहा है पानी पानी, वो जलमहल है ये गहराई है। तो ऐसा बोलते थे कि पहले है ना जो खजाना था ना यहाँ था, वो पानी वाला वो मैं दिखाया था वहां पे, लेकिन अभी रियलिटी में नहीं पता कि कहाँ था, तो मेरे को भी नहीं पता और गूगल पे भी नहीं है, तब पता नहीं वो किसी को भी नहीं पता कि वो चीज है कहाँ पे रियल में। तो आंटी लोग ऐसे घूर घूर के देख रहे हैं जैसे कहीं मैं ना वो शूट कर रहा हूँ, और मैं थोड़ी सी डिटेल देख के लिए ये चीज क्या है मेरे को अभी तक पता नहीं लगा, अगर आप में से किसी को पता है तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे को डीएम कर देना, मेरे इंस्टाग्राम आईडी है दी अल्ट्रावॉयलेट युवराज सिंह। तो अभी तक आपने मेरे को फॉलो भी नहीं किया तो प्लीज जाके वहां पे फॉलो करना, वहां पे मैं इतनी बॉम बॉम फोटोज डाल देता हूँ, जाके देख लेना। और जो आज मैं यहाँ पे फोटोज क्लिक करने वाला हूँ मैं वहां पे अपलोड करूंगा, तो गो एंड चेक ऑन माई आईडी। यहाँ पे मेरा मन है बहुत फोटो क्लिक करने का लेकिन आज मेरे साथ में कोई भी नहीं है, तो उसके कारण मैं फोटो क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ। एक सेकंड होल्ड करना मैं आता हूँ फोटो क्लिक करके खूब सारी फाइव है ना। यहाँ से आगे जाने के बाद में वो दिखता वो आता है आमेर का किला, तो आमेर का किला भी बहुत ज्यादा अच्छी चीज है, मतलब बॉम्ब जगह, वहां पे ज्यादातर सब लोग आते हैं इंडियन और अदर कंट्रीज के भी, तो है ना वो जगह भी रियल में वो है। लेकिन ये सीन है कि वहां पे मैं बहुत बार जा चुका हूँ, ये मेरे पीछे वो मैं दिखाया था ना पानी वाली जगह, तो वो हाँ तो आमेर के किले पे तो मैं बहुत बार जा चुका हूँ, और शायद बहुत सब जयपुर में जो आता है एक बार आमेर के किले तो जरूर जरूर जाता है। तो यहाँ पे मेरे पीछे ठीक यहाँ पे इतने सारे मंकी है ना एक एक जगह पे, शायद इसको इसलिए बंद कर दिया। हाँ तो आमेर की किल्लत तो ज्यादातर सब लोग जाते हैं, मैं मेरे को लगता है उल्टा चलना पड़ेगा मेरे को ऐसे, क्योंकि और मेरे को कैमरे में दिख रहा है पीछे, मेरे को उल्टा इसलिए चलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से लाइट अच्छी आ रही है, इसलिए क्या करना कोई नहीं है ना। तो आमेर की किल्लत तो सब नॉर्मली सब लोग जाते हैं जयपुर में आते वो, तो इसलिए आमेर का किला अगर जाना हुआ तो व्लॉग शूट होगा, वरना तो
देखते क्या होता है क्या नहीं। तो हाँ, तो अभी तक मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को बूम दबा देना, चाहे आपको किसी से दबाना पड़े, चाहे आपको उसके लिए तोप गोला से मारना पड़े या फिर फिंगर से, जो आपकी इच्छा। और मेरे को है ना पिछले वीडियो में थैंक्स इतना सारा प्यार देने के लिए, और है ना मेरे को पिछले वीडियो में किसी ने ऐसे पूछा था कि ये सब चीजें आपको मिलती कैसे, मिलती नहीं है, ढूंढनी पड़ती है। और यहाँ पे है ना अभी इतना भयंकर वाला धूप पड़ रहा है ना, इतनी जोरदार वाली धूप पड़ रही है ना, क्या बताए। और मेरे से कई लोग ये भी पूछते हैं कि आप जो ड्रेसेस पहनते हो, ये टी शर्ट, ये शूज, लॉकेट वॉकेट, लॉकेट कहाँ गया लॉकेट, तो आप ये सब चीजें कहाँ से लेते हो। अगर आप में से किसी को अगर उसके ऊपर वीडियो देखनी है तो मेरे को कमेंट अभी वीडियो पोस्ट करो और जाओ और जाके मेरे को बताना कि वीडियो चाहिए कि नहीं, और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। ये देखो कि मैं उल्टा चल रहा हूँ। अरे यार हाँ, तो आज सुबह मेरे बालों ने मेरे को ऐसा बोला कि सुन भाई बहुत ज्यादा अच्छी गर्मी हो रही है, तो एक काम कर, आज हमारे को ऐसे अलग अलग रहने दे, साथ साथ चिपकाए मत। तो मैंने ऐसे बोला ठीक है आज आज तुम मत चिपको। ये है ना विजय स्तंभ में जब भी कोई लड़ाई वड़ी जीतते थे या फिर कोई दुश्मन का अटैक होता था तो यहाँ से बता दिया जाता था कि कुछ। लास्ट टाइम यहाँ पे मैं और मेरे फ्रेंड आए थे दो चार, तो ये सीन हो गया था हमारे फ्रेंड्स के साथ कि हम यहाँ पे मस्ती कर रहे थे बहुत सारी है ना, सारे चिल्ला रहे थे कूद रहे थे, तो है ना पुलिस वाले अंकल आए, फिर उन्होंने डांटा थोड़ा बहुत, फिर हमने ऐसे सॉरी वॉरी बोला, फिर यहाँ से गए। तो है ना अब भी अगर मेरे फ्रेंड्स अगर ये वीडियो देख रहे हैं ना वो वाले, तो रियल में वो चीज ने याद करके, और वो भी जगह यही थी, यहीं पे हम लोग ऐसे मस्ती कर रहे थे खूब सारी। तो अगर कोई अपने फ्रेंड्स खूब सारे फ्रेंड्स साथ में आ रहे हैं, तो आपको अगर रियल में मस्ती करने का मन कर रहा है यहाँ पे कर लेना, लेकिन ज्यादा नहीं, क्या आपको भी डांट पड़नी पड़ी, लेकिन कर लेना करने का मन हो तो, कोई नहीं चलता है। और जिसको भी जो चीज करने का मन करे ना वो कर लेना चाहिए लाइफ में, चाहे कोई सी भी चीज हो, कुछ भी ए से लेके जेड तक कुछ भी, लेकिन वो चीज किसी के अच्छे के लिए होनी चाहिए बस, किसी के उससे किसी का बुरा ना हो बस, अच्छा चीज के लिए तो कुछ भी चलेगा है ना। ऑल राइट, यहाँ हम जब लास्ट टाइम मेरे फ्रेंड्स के साथ आए थे हम थे 5 जने, हाँ 5 जने, तो यहाँ पे इस जगह पे बहुत सारी छाया थी, छाया नहीं आ रही थी वहां पे, आ रही थी खूब सारी। तो फिर क्या हुआ, हम 5 जन आए थे और फिर यहाँ पे एक कपल बैठा था, वो कपल परेशान हो गया हम लोगों से, फिर उन लोगों को यहाँ से जाना पड़ा, किस कारण, या मेरे फोटे, हाँ किस कारण कि हम लोग है ना यहाँ पे मस्ती कर रहे थे कूद रहे थे, तो फिर उस कपल को यहाँ से जाना पड़ा। यहाँ से शायद बहुत सारी चीजें हटा दी गई है, पहले यहाँ पे एक तोप रखी थी शायद अब वो नहीं, बॉम्ब जगह गया। कई कई लोग सोचते कि जयगढ़ फोर्ट में सिर्फ एक जयगढ़ बांध जे बांध तो भी है, लेकिन नहीं, यहाँ पे बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी अच्छी देखने के लिए। और मेरे को भी लिटरली में क्या पता लगा जब मैं इसके बारे में रिसर्च कर रहा था तब, ये है वो पानी का टैंक का रास्ता, लेकिन ये है ना अब बंद हो चुका है, पहले यहाँ से रास्ता था लेकिन अब वो बंद हो गया, पहले यहाँ से भी अंदर जाने दिया जाता था और देखने दिया जाता था पानी को, लेकिन अब बंद हो गया। बहुत अच्छी
ये देखिए, ये बार रुक के बोले, ये बार रुक के बोला, ये छोटे बोले, ये और ये तीर, ये तो ना, ये ना, ये मेरे पीछे दिख रहा है तो बड़ा सा, ये है दीवाने हम तो यहाँ पे सवार लगते थे और बैठते थे राजा महाराजा और देखते थे कि यहाँ पे क्या हो रहा है और क्या नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ, लक्ष्मी विशाल क्या चीज है वो तो पता नहीं। यहाँ पे पालकी, यहाँ पे भी शायद सभा बैठती थी। तो वो दिख रहा है ना वो राजा का सिंहासन जो नीचे ऐसे, कैसा बताऊं, ऐसे लेट के सोते थे यार मेरे को इस ट्री पे फोटो क्लिक करनी है। यहाँ पे खूब सारे लोग हैं अभी तो मेरे को शर्म नहीं आ रही, लेकिन मेरे कारण कोई डिस्टर्ब हो, मेरे को ये चीज बहुत गंदी लगती है कि मेरे कारण कोई डिस्टर्ब हो रहा है। तो इससे मैं आई थिंक मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मेरे को कैंसिल करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे फोटो क्लिक करने की ट्राई कर रहा हूँ। अपना अर्थ इतना प्यारा है यहाँ पे ना, बस एक चीज खराब है कि पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है। तो हम लोगों को है ना खुद को ट्राई करना चाहिए कि हम पेड़ उगा सके या और कुछ हेल्प कर सके। इस एनवायरनमेंट डे किस किस ने पेड़ उगाए थे वो मेरे को प्लीज कमेंट करना। और है ना मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मेरे नेक्स्ट वीडियो में और मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में मैं उसको शाउट आउट दूंगा। तो प्लीज, और अगर अभी तक किसी ने नहीं उगाया तो प्लीज उगा लेना, मेरे लिए नहीं खुद के लिए। अगर खुद के लिए भी नहीं तो फिर इस दुनिया के लिए, जिसने अभी तक अपन को इतना सारा सब कुछ दिया और लिया कुछ भी नहीं अभी तक अपन से, जहां तक कि ये धरती अपन से रेंट भी नहीं लेती है यहाँ रहने का। तो फिर ट्राई करना चाहिए ना कि इसको कुछ ना कुछ तो अपन देखे जाए। यहाँ पे है ना कठपुतली का डांस होता है, तो इतना मस्त है ना वो, जिसमें आपको दिखाता हूँ देखना कितना प्यारा कठपुतली का डांस। तो चलते देखते क्या होता है क्या नहीं। मैं बिना किसी गाइड को लिए हुए अभी लिया में से जा रहा हूँ, तो आगे क्या होगा मैं कुछ भी नहीं पता। लेकिन मेरे को ये पता है कि अगर है ना कुछ भूल भुलैया में जाता है ना तो उसको शाम तक लेने आ जाते हैं, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम है नहीं। कितना प्यारा लग रहा है ना, ये भी कोई सभा होगी शायद। ये है ना अब पूरा रेंट पे दे दिया, शूटिंग शूट इन सब वालों को। भगवान से दुआ करता हूँ कि एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन मेरा शूट होगा यहाँ पे, फिंगर्स क्रॉस। बात की बात बाद में, अभी देखते क्या होता है क्या नहीं। तो उनके साथ साथ मैं पूरा भूल भुलैया भी देखूंगा, मेरे को सब कुछ पता लग जाएगी। बस सब हो जा रहे, थैंक यू ये तो कारखाने आगे। थैंक्स फॉर मेकिंग अ पार्ट ऑफ इंडिया, आई सी यू सून नेक्स्ट व्लॉग, कीप ग्रोइंग, फॉलो योर ड्रीम, बूम, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।